नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आपण मानू मो चैनल को स्वागत जनावि। आज हूँ 27 तारीख एप्रिल मास गुरुवार। आज मु आपण पाखक ओडिशा तथा देश विदेश किछि बछ बछ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नहींकर आसी जो खबर गुड़िक आपण मैंने जाना निहाती जरूरी। भिडियोटी शेष पर्यंत देखु। चैनल नुआ कर आसीथिले दयाकोरी चैनल टी एवं सब्सक्राइब कर पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु। तो डेरी नक चलंतु आज खबर उपर नजर पकाइनेबा। आजिर प्रथम खबर खुशी खबर। राशन कार्ड थिले अकाउंट को सरकार पठाइबे टंका मिलिबो एही सुविधा। चलंतु संपूर्ण अपडेट कौन होईची जाननेबा। राशन कार्डधारी माननक पई एक बड़ घोषणा करा जाईची। नुआ आर्थिक वर्ष रे एणिकी सरकारक तरफरु कार्डधारक माननकु आउ एक सुविधा जोगाई दिया जिवो। अंत्योदय राशन कार्ड थिबा उपभोक्ताक अकाउंट को टंका पठाइबे सरकार। चलित आर्थिक वर्ष में 3 थर राशन कार्डधारी को यह टंका प्रदान कराजिबो बोली राज्य सरकार पक्षर घोषणा करा जाईची। सूचना अनुसार चलित वर्ष मध्य अंत्योदय राशन कार्ड उपभोक्ता को 3टी मागणा गैस सिलेंडर जोगाई दियाजिव। तेबे एही योजना अधीन में एप्रिल रु जुलाई मास मध्य प्रथम सिलेंडर मिलवाकु थिबा बेले अगस्ट रु नवेम्बर मध्य द्वितीय एवं डिसेम्बर रु मार्च मध्य तृतीय सिलेंडर मागणा जोगाई देबे सरकार। तेबे पूर्व भली सिलेंडर आनिबा समय उपभोक्ता टंका पैठ करिबे। यापर से अकाउंट को सरकार तरफ टंका पठाई दियाजिव बोली घोषणा करिसेंति उत्तराखंडर सरकार। एथिपाय विभिन्न जिलार कार्डधारी माननकु चिन्हट करा जाईछि। एही योजनारे निजकु सामिल करबाकु हेले आवश्यक डॉक्यूमेंट सह गैस एजेंसी सिलेंडर टंका जमा करंतु। तबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाई नेबा परवर्ती खबर उपरे। पीएम किसानर 14तम किस्ती आगरू आसला खुशी खबर। चाषी को मागणार एही जिनिस देबे सरकार। चलंतु संपूर्ण अपडेट कोन होईछि जाननेबा। जदि आपण पीएम किसान सम्मान निधि पाई योग्य हिताधिकारी तेबे एही खबर आपण गुरुत्वपूर्ण। कृषक माननकु आर्थिक दृष्टि मजबूत करबा पई सरकार विभिन्न प्रकार योजना करुछंती। सबुठार उच्चविलासी योजना को केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रूपे चलाउछंती। वर्तमान जम्मू काश्मीर प्रशासन यूनियन अंचल में 8000 हेक्टर जमीन पारंपरिक मिलेट फसलर चाष को पुनर्जीवित करिबार लक्ष्य रखिछि। जम्मू अंचल में 10टी जिलार चाषी को 100% सब्सिडी सहित 7 प्रकार कठिन शस्यर मंजी जोगाई दियाजिव। चलित वर्ष फेब्रुआरी रे केंद्र शासित अंचल में कठिन शस्यर उत्पादन तथा व्यवहार वृद्धि व्यतीत पुष्टिकर शस्य को प्रोत्साहित करने प्रशासन 15 कोटी टंका प्रकल्प अनुमोदन करितला। प्राय 8000 हेक्टर जमीन पारंपरिक मिलेट चाष को पुनर्जीवित करने और हेक्टर पिछा 10 रु 20 क्विंटाल उत्पादन वृद्धि करने को यह प्रकल्पर लक्ष्य रही बोली अधिकारी माने कहते। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाई नेबा परवर्ती खबर उपर। इंस्टाग्राम रे आपणकर 1000 रु अधिक फॉलोअर्स थिले रोजगार करिपारिबे। चलंतु संपूर्ण अपडेट कोन होईजे जाननेबा। इंस्टाग्राम रे किपरि टंका रोजगार करिबे एही प्रश्न आजिकाली ट्रेंड करुछि। समस्ते सोशल मीडिया रे मनोरंजन सहित टंका रोजगार करिबार चेष्टा करंती। 1000 रु 1200 फॉलोअर्स थिबा यूजर्स मध्ये वर्तमान टंका रोजगार करबाकू चेष्टा करुछंती। ताकर पोस्ट गुड़िक अल्प हजार लोकों पाखक जाए एवं कौन ब्रांड ताकू एथिपाई टंका देन थाए। तबे इंस्टाग्राम वर्तमान एपरी लोकों पाई एक पेड योजना आनिबाकू प्रस्तुत हेउछि। एही बोनस योजना हेउछि एक सामाजिक मुद्रा देय कार्ड। यार नाम होउछि WYLD। एही पेमेंट कार्ड भिसा सहित लिंक होइछि। केवल से ही लोक मानकर जहाँ अति कम्रे 1000 फॉलोअर्स अछंती एहार लाभ उठाई पारे। वर्तमान यह बाजार को आसवा अपेक्षा धारे अच्छी। यार व्यवहार बा टेस्टिंग पाई मुंबईर 5000 यूजर्स को सिलेक्ट करा जायतिला। वर्तमान बेटा पर्याय रे 10000 अधिक यूजर्स को शामिल करा जाय परीक्षा करा जिवो। तबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाई नेबा परवर्ती खबर उपर। OSSSC पक्षर पूरण हेब 2753टी पद। ओडिशार प्रार्थी बड़ सुजोग। चलंतु संपूर्ण अपडेट कौन होईची जाननेबा। चाकरी खोजुवा समस्त युवक युवती एक खुशी खबर। ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ अनेक पद पर नियुक्ति सुजोग आसीची। OSSSC पक्षर 2753टी पद पर खूब शीघ्र विज्ञापन प्रकाश पाइब। प्रार्थी को मल्टी पर्पस हेल्थ वर्कर बा NF स्टाफ नर्स भाव नियुक्ति दियाजिव। चलित मास शेष सप्ताह ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हुई मे मास शेष सप्ताह समाप्त हेब। समस्त योग्य प्रार्थी ओडिशा रे नियुक्ति मिलिबो। एनएनएम स्टाफ नर्स पद पर प्रार्थी को कौन आवेदन फीस देवाक पड़ो ना। प्रार्थी मैंने ओडिया भाषा जानी निहाती जरूरी। प्रार्थी द्वादश पास सहित एमपीएचडब्ल्यू डिप्लोमा करेंगे। प्रार्थी सर्वनिम्न बयस 18 होता बेले सर्वाधिक बयस 32 होता आवश्यक अटे। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी, दिव्यांग व्यक्ति बा पीडब्ल्यूडी प्रार्थी नियम अनुसार बयस कोहल कर। तेबे दर्शक बंधु चलतु नजर पकाई नेबा परवर्ती खबर उपरे। डाकघरर एही योजन मिलिबो 2 गुण लाभ, उत्तम रिटर्न सहित संपूर्ण सुरक्षा। चलतु संपूर्ण अपडेट कौन रही जानेबा। जदि आपण डाकघर योजन टंका विनियोग करी भलो रोजगार करने को चाहती तेबे आपण डाकघर किसान विकास पत्र योजन विनियोग करें। एथिरे आपणंकु 2 गुण लाभ मिलिबो। एथिपाई आपणंकु 10 वर्ष अपेक्षा करने पड़ो। मात्र 1000 टंका रे आपण खाता मध्य खोली पारिबे। यार मैच्यूरीटी मिलला पर आपको मोटा अंकर टंका मिल। किसान विकास पत्र स्कीम रे आपण बिना कौन दुविधार विनियोग करें। 120 मास निवेशकों अर्थर 2 गुण मिल। स्कीम रे आपण को 7.20% सुध मिल, जहाँ पूर्व 7% थिला। 1 जनवरी 2023 यह निवेशक एक स्कीम लागू हो जाएगी। जेकोसी ग्राहक केवल 1000 टंका जमा कर यह स्कीम्र आरंभ करें। एथिरे विनियोगर कौन सीमा ना, आपड़ जिते चाहिए करें। यह स्कीम सबु वर्गर लोकों पर उपयुक्त। यह स्कीम आपड़ सिंगल बा जॉइंट अकाउंट खोली पारे। तेब दर्शक बंधु चलतु नजर पकाई नेबा परवर्ती खबर उपर। राज्य में सस्ता है सुनार दाम। चलतु संपूर्ण अपडेट कौन नहीं जानेबा। आज अर्थात गुरुवार अर्थात एप्रिल 27 रे सुनार और रूपार मूल्य वृद्धि घटी। बजार आरंभ में सुना मूल्य ह्रास देखा किंतु पर एथिरे वृद्धि घटी। सेहीपरि वैश्विक बजार में मूल्यवान धातु मूल्य में वृद्धि देखा दी, जार प्रभाव देशर घरोई बजार में देखा मिली। गतकाली अर्थात बुधवार 24 क्यारेट 10 ग्राम सुना दर में 80 टंकार ह्रास घटी। सेहीपरि आज 24 क्यारेट 10 सुना दर में 220 टंकार वृद्धि घटी, जहाँपर 10 ग्राम सुनार मूल्य 60,930 टंका को पहुंची, जहाँ गतकाली यार मूल्य 60,710 टंका थिला। सेहीपरि 22 क्यारेट 10 ग्राम सुना दर में 200 टंकार वृद्धि घटी, फल 10 ग्राम सुना दर 55,850 टंका को पहुंची, जहाँ गतकाली यार मूल्य 55,650 टंका थिला। तेब दर्शक बंधु चलतु नजर पकाई नेबा परवर्ती खबर उपरे। पाणीपाग 2060 जाए हीट वेव भयभीत करुच्ची आईएमडी रही रिपोर्ट। चलतु संपूर्ण अपडेट कौन रही जानेबा। आसंता 40 वर्ष जाए हीट वेव जारी रहिबो। हीट वेव्र समय बा दिन आहुरी वृद्धि हेबो। आहुरी 12 ରୁ 18 दिन वृद्धि पाइबो बोली आईएमडी पक्षर पूर्वानुमान कराଯାଇଛି। बुधवार दिन प्रकाशित पाणीपागर एक नूतन रिपोर्ट अनुसार उपद्वीप तथा उपकूल भारतर अधिकांश अंचल में 2060 सुधा हीट वेव अवधि 12 ରୁ 18 दिन वृद्धि पाइबो। आईएमडी रिपोर्ट आहुरी कह भयावह बात्या झड़ भली प्राकृतिक विपद अपेक्षा हीट वेव्र भारतीयों मृत्यु संख्या अधिक। एने अधिक सूचना देवाई 1961 ରୁ 2020 मध्य तथ्य दी जाए। सर्वाधिक तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस और सर्वनिम्न 4.5 डिग्री उपर रहिले हीट वेव बोली घोषणा कराए। उत्तर पश्चिम भारत, आंध्र प्रदेश और ओडिशार उपकूलवर्ती अंचल में मार्च रु जून मध्य हीट वेव भली परिस्थिति सृष्टि हुए। उत्तर भारत तुलन में यह अंचल में उत्ताप सामान्य कम थाए। जदि 60 वर्ष मध्य यार धारा को अनुध्यान करवा ताहले यार फ्रिक्वेन्सी 2 गुण हो। तेब दर्शक बंधु चलतु नजर पकाई नेबा परवर्ती खबर उपरे। राउरकेला देई जाइथिबा 10टी ट्रेन बातिल। चलतु संपूर्ण अपडेट कौन होइछि जानेबा। दक्षिण पूर्व रेलबाई चक्रधरपुर मंडल अंतर्गत बामरा और धरुआडीही स्टेशन मध्य ट्रैफिक कम पावर ब्लॉकिंग पाई राउरकेला देई यातायात करुथिबा 10 ରୁ अधिक ट्रेन को आसंता काली अर्थात बुधवार बातिल करा जाइछि। बातिल ट्रेन मध्य एक्सप्रेस और केतोटी पैसेंजर मध्य रही। टाटानगर एतुवारी टाटानगर एक्सप्रेस, राउरकेला झारसुगुड़ा राउरकेला मेमू स्वतंत्र, टाटानगर बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस बातिल हो। राउरकेला पुरी राउरकेला एक्सप्रेस, राउरकेला जगदलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, हटिया झारसुगुड़ा हटिया मेमू एक्सप्रेस, पुरी हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस बातिल हो। सेहीपरि भावे गुणुपुर राउरकेला राज्यराणी एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई CSMT दुरंत एक्सप्रेस बातिल होईछि। सेहिपरि केतेक ट्रेनर गतिपथक ह्रास कर। धन्यवाद।